वतन का है मान, सुरत के ۔۔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 
से तमाम तर वसाइल दस्तियाब थे, बशमूल ट्रेनिंग, असला, बारूद, हथियार और तमाम रकम का बंदोबस्त उनको बाहर से होता था। तमाम जो गैर बलोच थे, इन पर्टिकुलर पंजाबी और पठान, उनको वो हमेशा टारगेट करते थे। शनाख्ती कार्ड निकालो। शनाख्ती कार्ड नहीं है, भूल गया। मेरे पास है नहीं भाई। इन तमाम का एक एजेंडा था कि इन्होंने बलूचिस्तान को एक अलहदा रियासत की शक्ल में लेके आना है और अपने फॉरेन एजेंडे पे ये लोग उस वक़्त काम कर रहे थे। इंटेलिजेंस ऑलवेज वर्क एज आईज एंड ईयर टू द कॉम्बैट पावर, जो हमारी अस्करी ताकत होती है उसको ये सही निशाने पे ले जाना इनका काम है। हवलदार वफा नहायत ज़हीन, निडर और शार्प फील्ड ऑपरेटर था। जैसे भी हालात हो वह अपने आप को ढाल लेता था। इनो के बचक को जाएगी मनम द कशे मीते का निश्ते का से चाय बिया। जब हम ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका जो सबसे अहम काम होता है, जो कि प्रोलॉन्ग भी होता है, वो होता है इंटेलिजेंस की गैदरिंग। उसको हमने बिल्ड करना होता है, उसके लिए हम बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो इलाके को जानता था, इलाके के ट्रेडिशन को जानता था, इलाके के कस्टम्स को जानता था, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं लगा कि वो पेनेट्रेट कर गया उन फरारीज के दरमियान और हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। पुलिस और फ्रंटियर कोर का मुश्तरका तरीका ये था कि जब भी कहीं से इंफॉर्मेशन आती थी, पुलिस की तरफ से नॉर्मली हमने CTD को लीड रोल दिया हुआ था। CTD जो बलूचिस्तान में रिवैम्प हो गई थी और उसका जो जुरिस्डिक्शन था पूरे बलूचिस्तान में एक्सटेंड कर गया था। जो भी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन हो उस पे CTD, पुलिस और फ्रंटियर कोर इकट्ठा ऑपरेशन करते थे। हवलदार वफा ने पूरे ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन हमें दी। इसको पता था कि इनके एग्ज़िट रूट्स कहाँ कहाँ पे है और कितने हैं। एग्जैक्टली हमें बताया था जब तक ये एग्ज़िट रूट्स आप कवर नहीं करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट दिस ऑपरेशन सक्सेसफुली। बीइंग अ बलोची, He visited the target site number of times in disguise. So he was an asset. He was a passionate intelligence operator. जो CPAC का western route था वो बसीमा से गुजरना था, बसीमा पंजबूर N85 यहाँ से बनना था। इस तरीके से बसीमा वाशिक और बसीमा खारान, तो बसीमा के आसपास इन दहशतगर्दों ने यहाँ फरारी कैंप बनाए हुए थे। जब ये ऑपरेशन प्लान हुआ तो हवलदार वफा मेरे पास आया, मुझे कहा कि मेरा बेटा पैदा हुआ है। मैंने उसको मुबारकबाद दी। ही वांटेड कि यार मैं घर चला जाऊँ, बट ऑपरेशन सर पे था, जिसकी वजह से मैंने उनको यही बताया कि ऑपरेशन के बाद आप छुट्टी चले जाएँ तो बेहतर है। थोड़ी देर बाद फिर मुझे ख्याल आया कि इसको ऑपरेशन से पहले भिजवाना चाहिए एक आध दफ़ा घर। देन आई कॉल्ड हिम
मैंने उनको यही बताया कि आप वीकेंड चले जाएं, दो दिन के लिए अपने बच्चे को देख के आए। मनी बाजा। गुड अच्छे सोचा मोहम्मद अदरीस। माशाल्लाह। जब बात आ जाती है मुल्क की, जब बात आ जाती है अपने कौम की, जब बात आ जाती है अपने लोगों की, तो फैमिली, अपना ज़ात, वो पीछे रह जाता है, सबसे टॉप पे आ जाता है आपका मुल्क। जारे चिया अन्नी अत के वापर अब गए अबरे तो फौज ये जने चुशे अबर मका शरे दो रोचे रंद काया पता पूरा माँ तई दगे इदरी से घुमा वो कह रही थी ना चुनाती तो कुल तो प्यार करेगी चुनाती ना कुल तो प्यार कर गो ना ख्वाहिश ना सकी फिर माँ क्यों गाय की फौज उठी स्ट्रीम मोटिवेशन वो यकीन करना चाहता था जो टारगेट उसने आइडेंटिफाई किया है 100% इंश्योर अगर करना है तो उसकी अपनी मौजूदगी वहाँ पर जरूरी थी। एज अ सोल्जर पाकिस्तान हमारे लिए एक इश्क और एक जुनून है। और इस जुनून के पीछे धरती माँ है और हम अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन अपनी जान भी दे सकते हैं। इनिशियली प्लानिंग में वफा को अपने सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली थी, उसे पता था कि ये एक कंपाउंड है जिसमें ज़्यादा वक्त जो मिस्त्रीज से इसमें पोजीशन लेके यहाँ पर हो जाते हैं। हम ये समझ रहे थे कि जो कंपाउंड में जो क्लियरेंस हो चुकी थी वो दैट इज़ द लास्ट एक्शन, बट वफा ने उसी दौरान हमें इंडिकेट किया एक कमरे की तरफ, वहाँ पे कुछ फरारी की मौजूदगी का उसने खदशा जाहिर किया, जिसकी वजह से हम उस कमरे की तरफ गए। इस बात का यकीन होते हुए भी कि यहाँ पर मिस्ट्रेंट्स हैं, उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसमें परवाह नहीं थी। कुछ देर के लिए मैंने कोशिश की उसको पीछे लाने की, बट पॉसिबल नहीं था और थोड़ी देर बाद वफा शहीद हो चुका था। गुड अच्छे सोचा मोहम्मद अदरीस दो रोचे रंद काया पता पूरा माँ सही लगे अदरीस से घुमा मेरे ख्याल में उनके वालिदैन ने उनका नाम वफा सोच समझ के रखा था, क्योंकि उसने पुलोच सरजमीन के साथ वफा की। इस ऑपरेशन को हमने 11 फरवरी 2015 को कंक्लूड किया एंड वी टुक मंथ्स टू बिल्ड दिस ऑपरेशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर सक्सेसफुली रिवेंज्ड ऑल आर शुहदा। और आज हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान बहुत सेफ है, बहुत बेहतर है आज से 10 और 20 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह।
चलो जी।